अभी उस दिन एक लड़के को यहाँ पे सांड रपटाया था तो एक गांठी वांटी सब फोड़ लिया था। जा रहे थे शादी में तो ऐसे झूम रहे थे जैसे लग रहा आदमी दारू पे कर घूमता, ऐसे जानवर घूम रहे हैं, उसमें चारा पानी नहीं दे रहे, मर ही जाएंगे। गरीब आदमी के पास इतना टाइम ही नहीं, जिम्मेदारी वो क्या निभाएगा, अपना काम करेगा कि ये जिम्मेदारी निभाए, ये तो है नहीं कि आज लिख के दे दिया काम हो गया, ये तो सब कोर्ट वाला काम है, दे दिया तो उसके पीछे लगो तो उसके पीछे लगेगा या अपना घर परिवार चलाएगा। हमने बहुत सारे लोगों से बात की है तो उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई हैं, लेकिन इस गांव का जो समीकरण होगा वो किस तरह से बनेगा, ये जाति पे बनेगा या मुद्दे पे बनेगा या किस तरह से बनेगा? जाति पे नहीं बनेगा, समीकरण का, समीकरण सीधा अखिलेश का बनेगा और किसका यहाँ बनेगा। तो पिछली बार जब आप वोट दे रहे होंगे तो यही दिमाग में था कि परिवर्तन होगा कुछ? हम तो जिसको परिवर्तन था उसको दिया वोट, अब वो ना जीते कोई बात नहीं, तब भी दिए थे, अब की भी देंगे अखिलेश ही को, अब हो गए, ये तो चांस रहते ही, कभी कभी अंडे के हाथ भी बटेर लग जाती, वही वाला हिसाब हो गया। लेकिन अब अभी सपा से टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। टिकट किसी का हो, टिकट किसी का भी हो, आप हो नहीं, साइकिल को देखकर ही वोट देंगे? वो तो है ही, दिए जाएगा, काम जो करेगा, साइकिल क्या बात, काम ये किए होते देने वाला इनको देते, जब विकास ही नहीं करेंगे कौन देगा वोट? गौशाला कह रहे बनवा दिया हूँ, गाय तो कितनी चल रही घूम रही, एक गाय पाल ले उसा ले, तो जैसे इतना डकैतों से नहीं बचाना पड़ता जितना उसको सांडों से बचाओ, अभी एक गाय वो दो यहाँ पे बंधी है तो कम से कम रात भर में 5-6 सांड उसको घेर रहे थे, रात भर बचा रहे डंडा लेकर के, अरे गौशाला बनवाए हो तो उनको साले उसमें ले जाओ करो उनको। तो मतलब यहाँ जो लड़ाई होगी जो बिस्वा में, भैया ये बताओ गौशाला बनवाए इस सरकार में, बने नहीं बने? लेकिन सरकार के लोग तो बोलते हैं कि गांव के रक्षक जो हैं वो घूम रहे हैं, वो गांव रक्षक नाम सुना होगा? हाँ गांव रक्षक घूम रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, तो हम बताएं, मतलब वो इन्हीं पर इसी चीज़ पर काम करते हैं कि ये जो जानवर हैं इनको कोई मारे ना, या ये जो आवारा की तरह घूम रहे हैं इनको मतलब कहीं एक जगह पर रखा जाए? तो क्यों नहीं रखा जा रहा है, तो जगह जगह मिल रहे हैं, रखा है ये तो सबको दिखाई दे रहा है, अंधा होगा उसको भी पता चल रहा है, जगह जगह घूम रहे हैं, कहीं किसी को मार रहे हैं, किसी को रपटा रहे हैं, अभी उस दिन एक लड़के को यहाँ पे सांड रपटाया था तो एक गांठी वांटी सब फोड़ लिया था, अगर रखे होते तो ये घूमते क्यों, ये तो देखो। अब गौशाला ये तो परसेंडिम गौशाला बना हो, पिछली बार हम जा रहे थे शादी में तो ऐसे झूम रहे थे जैसे लग रहा आदमी दारू पे कर घूमता, ऐसे जानवर घूम रहे हैं, उसमें चारा पानी नहीं दे रहे, मर ही जाएंगे। कभी एप्लीकेशन दिया है कभी, या कोई इस बात पर कभी चर्चा की गई है? तो एप्लीकेशन दे के हमको क्या ज़रूरत है, जब तक बात आगे नहीं जाएगी तब तक आपकी बात सुनेगा कौन? समस्या भी तो पता चलने नहीं कि गांव में जानवरों की समस्या है, सड़क की समस्या है, तो लोग प्रधान पर जाते हैं, प्रधान के पास जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, या अपनी समस्याएं होती, इसीलिए जनता चुनती है ना प्रधान को या विधायक को या सांसद को या सरकार को कि कुछ करेगी, जनता की सुनेगी समस्याओं पर। तो समस्याओं क्या, मान्य मास्टर पढ़ाता है बच्चों, किस लिए मास्टर आता, पढ़ाने के लिए आता, जनता बना दिया सरकार, अब सरकार को देखना कि जनता की थोड़े ही सारे कुछ देखना, उसके हाथ में क्या है, उसको जो कुछ करना था कर दिया, अब उनको देखना है, अब ये घूम रहे हैं सब हो रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है ना, गौशाला बनाए हो तो फिर बाहर क्यों हैं ये तो जवाब वो दें, ये दौर मियाँ जैसे चाट खाते आदमी तो पत्तक कीमत कत्ती टेम जत्ती टेम देर उसकी चाट रुकती है, यही हाल एप्लीकेशन का है, छोटा आदमी ले गया कोई भी चिट्ठी हो कुछ हो, जब तक वो है ऐसे देखा उसके बाद में डाल दिया, वो तो जो उस लायक है उसकी पढ़ी जाती है, उसकी आगे बढ़ाई जाती देखी जाती चिट्ठी, मैं तो कह रहा हूँ खुदाओ, गरीब आदमी के पास इतना टाइम ही नहीं, जिम्मेदारी वो क्या निभाएगा, अपना काम करेगा कि ये जिम्मेदारी निभाए, ये तो है नहीं कि आज लिख के दे दिया काम हो गया, ये तो सब कोर्ट वाला काम है, दे दिया तो उसके पीछे लगो तो उसके पीछे लगेगा या अपना घर परिवार चलाएगा।